हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ निफ्टी। तो इसका हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट में यहाँ पे कर रही हूँ मंथली चार्ट से। ओके, सो मंथली चार्ट पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास चल रहा है। कैंडलस्टिक देखें तो इस मंथ की जो कैंडल है इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है। तेजी की कैंडल है, अपने लो पे ओपन हुई थी लेकिन अपने हाई के आसपास क्लोज नहीं हुई। इसने एक बड़ी अपर शेडो बनाई और थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी अच्छी तेजी की कैंडल है। कंपेयर करेंगे पिछले मंथ से तो पिछले मंथ की काफी बड़ी तेजी की कैंडल थी। तो मोमेंटम डेफिनेटली इस मंथ थोड़ा स्लो होता हुआ नजर आया और ये अपर शेडो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ऊपर के लेवल पर हमें सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये रेसिस्टेंस हम मार्क कर देते हैं, ये जो अपर शेडो है। सो एक नया रेसिस्टेंस हमें मंथली चार्ट पे मिल गया है जो है 17,950 के आसपास स्पॉट लेवल्स है। RSI 78 के आसपास है तो डेफिनेटली RSI थोड़ा ओवरबॉट है यहाँ पे। बाकी अगर मैं बात करूँ वीकनेस की तो फिलहाल वीकनेस के साइन हमें मंथली चार्ट पे नहीं देखने को मिल रहे। डेली चार्ट देख सॉरी वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट अब यहाँ पे अगर देखेंगे इस वीक की जो कैंडल बनी है एक मंदी की कैंडल बनी है, अपने हाई के आसपास ओपन हुई थी और अपने लो के आसपास क्लोज हुई। ओके, तो एक अच्छी मंदी की कैंडल है। पिछली कैंडल से इसे कंपेयर करेंगे, पिछली कैंडल जो थी पिछले वीक की एक अच्छी तेजी की कैंडल थी। इन दोनों कैंडल को मिला के यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। ओके, सो ये एक वीक पैटर्न है। अगर प्राइजेस इस वीक के नीचे ट्रेड करते हैं, इस वीक का जो क्लोज प्राइस है अगर उसके नीचे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्शन निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी करेक्शन कहाँ तक हो सकता है उसके लिए हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। तो सपोर्ट लेवल आप प्राइस एक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आप प्राइस एक्शन से लेवल्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको आसान तरीका बता देती हूँ। तो फिबोनाची के लिए हमें बेसिकली एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ओके, और इमीडिएट सपोर्ट जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 0.382 और 0.5। ओके, सो बेसिकली अगर मार्केट तेजी का होता है तो ये जो दोनों लेवल हैं प्राइजेस यूजुअली होल्ड करते हैं। यहाँ पे आते ही कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो हमें जो पहला सपोर्ट फिबोनाची देता है वो करीब 17,000 के आसपास देता है। ओके, प्राइस एक्शन से अगर आप यहाँ नोटिस करें तो एक बड़ी तेजी की कैंडल है, और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया, ऑलमोस्ट हर वीडियो में शायद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बड़ी कैंडल होती है चाहे तेजी की हो या मंदी की हो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन कैंडल का मिड पॉइंट और लो पॉइंट एक सपोर्ट का काम करता है अगर तेजी की कैंडल है, और उसी तरह से अगर मंदी की कैंडल है तो इस कैंडल का मिड पॉइंट और हाई पॉइंट एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो ये वीक की भी जो आप मंदी की कैंडल देख रहे हैं इसका जो मिड पॉइंट है एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। ओके, सो वो लेवल हम डेली चार्ट से निकालेंगे। तो फिबोनाची हमें सपोर्ट दे रहा है 17,000 के। करंट प्राइस जो निफ्टी का है वो करीब 17,530 के आसपास है, और हमें जो सपोर्ट पहला मिलता है वो 17,000 के आसपास मिलता है। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें मिलता है वो है 16,730 का। ओके, RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे 73 लेवल के आसपास चल रहे हैं। ओके, अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप स्ट्रक्चर नोटिस करेंगे तो हायर हाइस का जो स्ट्रक्चर है अभी भी यहाँ पर मेंटेन्ड है। आप देख सकते हैं ये वाला जो हाई है, रीसेंट हाई जो 24 सितंबर को बना था एक हायर हाई है, उसके बाद हमने करेक्शन हम देख रहे हैं, और अभी तक अगर आप देखें पिछले लो के नीचे निफ्टी नहीं गया है। स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाइस का भी नहीं बना, अभी भी हायर हाइस का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। ओके, सो फ्राइडे की कैंडल देख लेते हैं। तो फ्राइडे की अगर आप यहाँ कैंडल देखेंगे एक गैप डाउन कैंडल थी, तो ये जो गैप है इमीडिएट गैप एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको डेली चार्ट से एक और लेवल मिल जाते हैं 17,618 के। ओके, ये इमीडिएट प्राइजेस इमीडिएट रेसिस्टेंस है। अगर प्राइजेस इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज दे देते हैं डेली चार्ट पे तो फिर हम यहाँ पे मान सकते हैं कि एक बॉटम फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। उस केस में जो है प्राइसेस दोबारा से ये 17,950 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल निकाल पाएगा इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तभी हम प्राइसेस को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता रहता है तो फिर हम एक करेक्शन
और एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या डेली चार्ट से हमें कोई सपोर्ट लेवल मिल रहा है। तो डेली चार्ट से अगर आप यहाँ पे बात करें, ये एक सपोर्ट लेवल हमें मिल जाता है 17,350 के आसपास। ये लेवल अगर आप देख सकते हैं, ये ऐसा लेवल है, एक गैप यहाँ क्रिएट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली सस्टेन किया प्राइजेस ने। तो ये एक जोन बेसिकली आपको मिल जाता है 17,350 से लेके 17,300 का। एक गैप क्रिएट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर तेजी देखी, दोबारा जब करेक्शन आया यहाँ से फिर से तेजी देखी। हमारे पास जो डेली चार्ट से सपोर्ट मिलता है वो करीब 17,350 से 17,300 का है। अभी के जो लेवल यहाँ पे निफ्टी के चल रहे हैं 17,530 के आसपास हैं, तो करीब 200 पॉइंट नीचे हमारे पास एक मेजर सपोर्ट जोन हमें मिल जाता है। तो अगर कल के सेशन में 17,618 के लेवल नहीं निकाल पाता है, या फिर अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग होने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपनिंग होके हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो ये करेक्शन 17,300 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट हमारा डेफिनेटली यहाँ पर वीक है। जब तक वीकली चार्ट यहाँ पे अच्छा नहीं हो जाता, तो वीकली चार्ट तभी अच्छा होगा जब हमें 17,620 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगी। क्लोजिंग मिलेगी और उसके बाद इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहेगा। जैसा भी प्राइस एक्शन होगा, वी विल डिस्कस इन आर अपकमिंग वीडियोस। मंडे के लिए आपके पास लेवल्स हैं, रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन किए। तो हमारा वीकली चार्ट थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन मंथली अभी भी अच्छा है। और डेली यहाँ पे डेली में करेक्शन एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकते हैं, क्योंकि ये गैप डाउन कैंडल है। अगेन हमें देखना है इंट्राडे में किस तरह का प्राइस एक्शन हम 17,618 के आसपास देखते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये करेक्शन एक्सटेंड होगा या फिर हमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और एक बार इसका आवली चार्ट भी देख लेते हैं। तो आवली चार्ट भी अगर आप देखें, ये पहले घंटे की यहाँ एक कैंडल क्रिएट हुई थी, उसी कैंडल की रेंज के अंदर हमने पूरा दिन यहाँ पे बेसिकली ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो ये भी एक छोटी सी रेंज हमें बेसिकली इंट्राडे चार्ट में मिल गई है। तो अगर ये रेंज टूटेगी तो ऊपर हमारे पास रेसिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे इंट्राडे में एक मिड पॉइंट पे यहाँ पर निफ्टी है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। बेसिकली अगर इस पॉइंट पे एक तरह से एक नो ट्रेड जोन है, अगर ऊपर जाता है तो हमें देखना है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस, अगर यहाँ रेसिस्टेंस लेता है तो फिर एक सेल ऑफ यहाँ से हो सकता है। और या फिर शुरुआत में ही हमें ये रेंज नीचे की तरफ टूटने को मिलती है, तो फिर ये नीचे के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।